प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, आज हम रीतिमुख श्रृंगार काव्य की विशेषताएं पढ़ाने जा रहे हैं। पहले हमने रीति काव्य की विशेषताएं पढ़ाई थी, तो ये जो रीतिमुख श्रृंगार काव्य की विशेषताएं, जैसे स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण दिखाया गया है, इसमें ब्रेवर्डन की प्रधानता दिखाई गई है, स्वानुभूति का चित्रण है, आदि विशेषताएँ हैं। इसकी विशेषताओं को हम विस्तारपूर्वक समझाएँगे। तो देखो, रीतिमुक्त काव्य के जो कवि हुए हैं, आपको ये तो पता ही है, घनानंद आलम बोधा ठाकुर, ये मुख्य रूप से ये कवि हैं। घनानंद आलम बोधा ठाकुर ये कौन से हैं? रीतिमुक्त काव्य के श्रृंगारी कवि हैं। और रीतिमुक्त काव्य के जो व्यक्ति जो होते हैं कवि, वो क्या है, ये रीति की बंदी बंधाई पद्धति पर ये काव्यांग निरूपक लक्षण ग्रंथ लिखने में कोई भी रुचि नहीं दिखाते हैं, और ये हृदय की स्वतंत्र वृत्तियों के आधार पर ही कविता की रचना करते हैं। ये केवल हृदय की भावनाओं से कविता बनाते हैं, हृदय से कविता इनकी सृजित होती है, रीतिमुक्त कवियों की कविता। तो इसलिए इनके लिए रीति से कोई भी बंधने की आवश्यकता नहीं है, लक्षण ग्रंथों की कोई आवश्यकता नहीं, रीतिमुक्त काव्य के कवि हैं। और रीतिमुक्त काव्य की विशेषताएँ इन्होंने बताई हैं। तो देखो कौन कौन सी विशेषताएँ, इनके बारे में विस्तारपूर्वक बताऊँगा। तो देखो, नंबर एक, स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। स्वच्छंद एवं अकृत्रिम विशेषता है, स्वच्छंद एवं अकृत्रिम प्रेम का चित्रण। तो देखो बच्चों, ये जो अकृत्रिम का मतलब होता है, जो कृत्रिम नहीं होता है, बनावटी नहीं होता है, और हृदय से जो निस्सृत होता है वो होता है अकृत्रिम, जो प्राकृतिक रूप से, वो प्रेम जो बनावटी नहीं हो, जिसमें हृदय की भावनाएं जुड़ी होती रहती हैं, वो अकृत्रिम प्रेम होता है। तो इसमें अकृत्रिम प्रेम का चित्रण देखा गया रीतिमुक्त कवियों ने। कैसे? देखो, रीतिबद्ध जो कवियों का प्रेम चित्रण रसिकता एवं कामुकता से ओतप्रोत होता है, ये आप सबको पता है। जो रीतिबद्ध कवि होते हैं, उनके जो प्रेम का चित्रण होता है वो कैसा होता है, रसिकता और कामुकता से भरा हुआ होता है। और रीतिमुक्त कवियों का जो प्रेम का चित्रण होता है वो होता है अकृत्रिमता होती है उसके अंदर, स्वच्छंदता होती है, उदात्तता होती है। अकृत्रिमता, स्वच्छंदता और उदात्तता, ये गुण उसमें पाए जाते हैं। अकृत्रिमता स्वच्छंदता और उदात्तता, ये तीन पॉइंट मिलते हैं, अकृत्रिमता, स्वच्छंदता और उदात्तता। अकृत्रिमता, स्वच्छंदता और उदात्तता, ये उसके प्रेम का, उसके प्रेम में पाए जाते हैं। किसके में? रीतिमुक्त कवियों के प्रेम में पाए जाते हैं। कौन से? अकृत्रिमता, स्वच्छंदता और उदात्तता। उनका जो प्रेम होता है, उनका प्रेम निरूपण हृदय की अनुभूतियों से उद्भूत होता है। उनका जो प्रेम होता है वो हृदय की अनुभूतियों से उद्भूत होता है। हृदय की अनुभूति जुड़ी हुई रहती है, उसमें भावनाएं जुड़ी हुई रहती हैं उस प्रेम के अंदर। उसमें रंच मात्र भी बनावट नहीं मिलती है, उसमें बनावट देखने को मिलती है, मिलती नहीं है। रीतिमुक्त कवियों के जो प्रेम होते हैं उसमें देखने को बनावट नहीं मिलती है, बनावटी प्रेम नहीं होता उनका, कृत्रिम प्रेम नहीं होता है उनका। वो प्रेम होता है कौन सा? अकृत्रिम प्रेम होता है। तो देखो, यहाँ पर घनानंद जी की कविता है, जिसको मैं अभी बता देता हूँ कि उनके कविता में जो प्रेम जुड़ा हुआ वो कैसा है। देखो बच्चों, उनकी कविता है, अति सूदे सने को मार्ग है, जहाँ नेक सयानप बांक नहीं, तहाँ सांझ चले तज यापन पो, झिझके कपटी जे निशांक नहीं। घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, घन आनंद प्यारे सुजान सुनो, इत एक ते दूसरो आंक नहीं। तुम कौन धो पाटी पढ़ो लला, मन लेहु पे देहु छटाक नहीं। देखो, ये घनानंद की कविता है कि घनानंद का प्रेम कितना सीधा है,
जिसका सीधा प्रेम बताया हो। घनानंद जी ने स्नेह का एक सीधा मार्ग बताया है, प्रेम का एक सीधा मार्ग बताया है। उस प्रेम के मार्ग में कोई भी बांकपन, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, कुटिलता नहीं होनी चाहिए उस प्रेम के अंदर, कोई भी छल कपट नहीं होना चाहिए। यह घनानंद जी का प्रेम था। उन्होंने कहा था कि प्रेम सांझ तजे तल आपन को झिझके कपटी जी निशाक नहीं। प्रेम में तो सच्चाई होती है, उसके अंदर झिझक कपट झूठ ये कुछ भी नहीं होता है। तो घनानंद जी कहते हैं कि हे प्यारी सुजान, मेरी बात सुनो कि तुमने ऐसी कौन सी पार्टी पढ़ ली है जो मेरे प्रेम को मन पर नहीं ले रही है। तो इसमें घनानंद जी ने उस प्रेम का मार्ग सीधा बताया है, छल कपट रहित बताया है। तो देखो घनानंद जी का प्रेम, रीतिमुक्त कवियों का जो प्रेम होता है वो सीधा सच्चा होता है, भावनाओं से जुड़ा होता है, स्वच्छंद वृत्तियों के आधार पर होता है। तो प्रेम व्यापारों के चित्रण में कवियों ने कृत्रिमता को त्याग दिया है और अनुभूति को महत्व दिया है। देखो प्रणय होता है प्रणय, विभोर मन की ऐसी कोई वृत्ति नहीं है जिसका सहज स्वाभाविक चित्रण घनानंद ने नहीं किया हो। घनानंद ने स्वाभाविक चित्रण किया है। अनुभूति की तीव्रता, अभिव्यंजना की सशक्तता एवं प्रभाव की तीक्ष्णता की दृष्टि से घनानंद रीति मुक्त धारा के एक सर्वश्रेष्ठ कवि थे। जो घनानंद थे वे रीति मुक्त धारा के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। क्यों? क्योंकि उनमें अनुभूति की तीव्रता थी, अभिव्यंजना की सशक्तता थी एवं प्रभाव की तीक्ष्णता थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो घनानंद जी के लिए ये पंक्ति कही है कि प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रजभाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ है। ये कहा था किसने? ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था घनानंद जी के लिए कि प्रेम मार्ग ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवादानी का दावा रखने वाला ब्रजभाषा का कोई भी दूसरा कवि नहीं है, ये कहा था। तो स्वच्छंद कृत्रिम प्रेम का चित्रण दिया है उसने। ब्रह वर्णन की प्रधानता, देखो रीति मुक्त काव्य में अब दूसरी विशेषता है कौन सी? ब्रह वर्णन की प्रधानता। ब्रह वर्णन की प्रधानता ये उसकी दूसरी विशेषता है, ब्रह वर्णन की प्रधानता। तो देखो बच्चों रीतिमुक्त काव्य में ब्रह वर्णन की प्रधानता है, ये आप सभी को पता है क्योंकि ब्रह दिखाया गया है। इन कवियों का जो ब्रह वर्णन अत्यंत होता है, अत्यंत कौन सा होता है? हृदय द्रावक, चित्ताकर्षक एवं मार्मिक है। जो रीतिमुक्त कवि होते हैं उनका जो ब्रह होता है वो ब्रह कैसा होता है? उनका हृदय द्रावक होता है, हृदय से द्रवित हो जाता है। चित्ताकर्षक हो, चित्त को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, और मार्मिक होता है। इनका जो ब्रह होता है कैसा हो? हृदय द्रावक, चित्ताकर्षक और मार्मिक। हृदय द्रावक, चित्ताकर्षक और मार्मिक। हृदय द्रावक, चित्ताकर्षक और कौन सा होता है? मार्मिक। ये होता है उनका ब्रह। तो देखो जहां बिहारी जैसे कवि, बिहारी कवि ब्रहताप की अतिशयता एवं ब्रहजन्य कृष्णता का वहात्मक चित्र करने में बिहारी कवि हुए हैं। बिहारी कवि ने तो ब्रहताप को इतनी अतिशयोक्ति कर दी कि
उसको वहात्मकता बता दिया गया, वहात्मकता जो अतिशयोक्ति की भी अतिशयोक्ति हो गई है वहाँ पर, तो इतना बड़ा चढ़ा दिया कि हास्यास्पद बन गई बात उस ग्रह को। तो ये ग्रह का हास्यास्पद रूप बना दिया किसने? बिहारी कवि ने। ऐसा घनानंद में नहीं था। घनानंद ने ब्रहजन्य आकुलतय अंतर दशाओं का निरूपण करने तक अपने को सीमित रखा है। देखो शुक्ल जी ने क्या कहा था, घनानंद ने ना तो बिहारी की तरह ताप को भारी पैमाने से मापा है, बिहारी की तरह उसके ताप को भारी पैमाने से नहीं नापा है, और ना भारी उछल कूद दिखाई है उसने बिहारी की तरह ही अपने प्रेम में। जो कुछ हलचल है वह भीतर है, भीतर की है, बाहर से वह वियोग प्रशांत और गंभीर है। बाहर से तो वियोग प्रशांत और गंभीर है, और भीतर उसके दिल में हलचल है। ये घनानंद का प्रेम है, बिहारी के प्रेम में उछल कूद है, बाहरी पैमाने पर ना पाए बिहारी ने अपने प्रेम को। तो बच्चों जो रीतिमुक्त कवि होते हैं, रीतिमुक्त कवियों का प्रेम अंतर्मुखी है, उसमें हृदय का अंतर्धाय, प्राणों की तड़प और मन की व्याकुलता है। रीतिमुक्त कवियों का जो प्रेम है वो कैसा होता है? अंतर्मुखी होता है, उसमें हृदय का अंतर्धाय होता है, प्राणों की तड़प होती है, मन की व्याकुलता होती है, उनकी ग्रह वेदना स्वानुभूत है। स्वानुभूत कहते हैं जो स्वयं अनुभूति करता है जिस चीज को, उनकी जो ग्रह वेदना में स्वानुभूत है, अकृत्रिम है। कैसी है? अकृत्रिम, जिसमें कोई भी बनावट नहीं होती है, उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है, उसमें हृदय पक्ष की प्रधानता है। इस प्रेम की एक विशेषता भी है कि इसकी विशेषता प्रिय की, प्रिय को प्रेमी की तनिक भी चिंता नहीं है। इसकी एक विशेषता क्या है? प्रिय को प्रेमी की तनिक भी चिंता नहीं है, किंतु निरंतर मिलने वाली इस उपेक्षा से भी सच्चे प्रेमी प्रेम मार्ग का प्रत्याग नहीं करते हैं। उन्होंने क्या कहा है, समझ में आई आपकी? कि जो प्रिय होता है, प्रिय को प्रेमी की तनिक भी चिंता नहीं होती है, उसकी विषमता को, क्योंकि उसको उपेक्षा से देखा जाता है सच्चे प्रेमी प्रेम मार्ग का, पर उसकी उपेक्षा कर दी जाती है, फिर भी वो सच्चा प्रेमी है, वो प्रेम मार्ग से नहीं हटता है, वो निरंतर रूप से प्रेम करता ही रहता है। तो देखो घनानंद प्रेम मार्ग के ऐसे धीर पथिक हैं जो अपने प्रिया सुजान की बेवफाई से रंच मात्र भी विचलित नहीं हुए और जीवन पर्यंत उसे प्रेम करते रहे। ऐसे थे घनानंद जी, जो कि रीतिमुक्त काव्य के सर्वश्रेष्ठ कवि माने गए हैं घनानंद जी। देखो अगली विशेषता लेते हैं इसकी, स्वानुभूति का चित्रण। स्वानुभूति का चित्रण, स्वानुभूति का मतलब होता है जो स्वयं की अनुभूति होती है उसको स्वानुभूति कहते हैं। तो पहली विशेषता स्वच्छंद एवं एकत्रम प्रेम का चित्रण, दूसरी थी विरह वर्णन की प्रधानता, और जो तीसरी विशेषता है वह स्वानुभूति का चित्रण। देखो रीतिमुक्त कवियों ने आत्मा व्यक्ति को प्रमुखता देते हुए वैयक्तिक जीवन की अनुभूतियों को काव्य में अभिव्यक्त किया है, इसमें काव्य में अभिव्यक्त किया है। कहते हैं कि वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं, वे किराए के आंसुओं से
नहीं। कवि क्या कहते हैं कि वे किराए के आंसुओं से नहीं अपितु अपने आंसुओं से रो रहे हैं। अपने आंसुओं से रो रहे हैं। कहते हैं कि वे कोई किराए के आंसू लेकर नहीं आए, अपने आंसुओं से रो रहे हैं। मतलब कहने का भाव यह है कि वे उनके हृदय से प्रेम उपजता है और हृदय से रोना होता है। उनके आंसुओं में कोई बनावट नहीं होता है, उनके आंसू हृदय से निकलते हैं, आंखों से नहीं। आंखों से तो केवल दिखाई देते हैं। तो देखो वे किराए के आंसुओं से नहीं अब तो अपने आंसुओं से रोते हैं। कहा जाता है कि घनानंद सुजान से प्रेम करते थे, घनानंद सुजान से प्रेम करते थे जिसने उनके साथ में बेवफाई की है। घनानंद के साथ में सुजान ने बेवफाई की है कि घनानंद तो इतना प्रेम करता था पर सुजान ने उसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। हृदय की वही पीड़ा घनानंद के काव्य में व्यक्त होती है। हृदय की वही पीड़ा घनानंद के काव्य में व्यक्त होती है। देखो वियोग व्यथा के सैकड़ों मार्मिक चित्र उनके काव्य में दिखाए गए हैं। उनके प्रसिद्ध एक कविता थी, रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए। रावरे रूप की नीति अनूप, देखो जो घनानंद हुए थे उन्होंने कहा था कि रावरे रूप की रीति अनूप नयनो लागत ज्यो ज्यो निहारी। कवि ने कहा था कि ये उस प्रेम की जो रीति होती है वो बड़ी ही अनुपम है, उस प्रेम की रीति बड़ी ही अनुपम है। उसको ज्यो ज्यो निहारेंगे हम, ज्यो ज्यो देखेंगे उसकी तरफ, उसमें कुछ नयापन आता चला जाएगा, नवीनता दिखाई देगी उसके अंदर। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो नयनो लागत ज्यो ज्यो निहारिए। रावरे रूप की रीति अनूप नयो नयो लागत ज्यो ज्यो निहारिए। तो उनके काव्य की ये रीति थी, उनको जितना वो निहारते थे उतना ही उनके प्रेम में नवीनता आती थी, उसका प्रेम प्रगाढ़ होता चला जा रहा था। तो ये बताया था कवि ने। तो देखो अधिकतर रीतिमुक्त कवि अपने व्यक्तिगत जीवन में किसी प्रिय पात्र से प्रेमाहत हुए थे। उनका जो प्रिय पात्र था जिससे वो प्रेम करते थे उनसे उनके लिए एक चोट पहुंची, उसी स्वानुभूति प्रेम वेदना का चित्रण उन्होंने अपने काव्य में किया है, प्रेम मुक्त काव्य। तो देखो आलम के विषय में भी ये कहा जाता है, आलम का नाम आपने सुना ही होगा, कवि आलम का, वो कवि आलम थे ना, वे शेख नामक रंगरेजनी पर आसक्त थे। शेख नामक जो रंगरेजनी थी, शेख नामक रंगरेजनी,
रंगरेजनी कहते हैं जो कपड़ों को रंगते हैं। शेख नामक जो रंगरेजनी थी वो रंगरेजनी पर आसक्त थे, कौन आलम, और उससे विवाह करने हेतु हिंदू धर्म को त्याग करके मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया था। उन्होंने हिंदू धर्म को भी त्याग दिया था, मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लिया। उनके उनका जो प्रेम था, स्वानुभूति प्रेम की सुंदर झांकी भी दिखाई है उनके प्रेम में, जो खुद की अनुभूति की एक सुंदर झांकी भी दिखाई है। कहते हैं कि जातल कीने बिहार अनेकन, ताथल कांकरी बैठ चुनो करो, जा रसना तो करी बहु बातन, ता रसना सो चरित्र गुणो कर, आलम जौन से कुंजन में करी केली तहां अब शीश सुनो करो, नैनन में जे सदा रहते तिनकी अब कान कहानी सुनो करो। तो उन्होंने उनका जो प्रेम था कैसा था, वो स्वानुभूत प्रेम था, स्वयं की अनुभूति का प्रेम था। ऐसे ही कवि बोधा हुए थे। कौन हुए थे? बोधा कवि। बोधा कवि बड़े रसिक व्यक्ति थे। वे पन्ना राज दरबार के आश्रय में रहते थे। किसके में? पन्ना राज दरबार के आश्रय में। कौन? बोधा कवि। सुभान नामक वेश्या पर वे आसक्त थे। कौन सी? सुभान नामक वेश्या पर। सुजान तो घनानंद की थी, इसकी सुभान थी। तो प्रेम की पीर की स्वानुभूति व्यंजना करने में बड़े कुशल थे। इनकी भावुकता एवं रसज्ञता की परिचय निम्न पंक्तियों में दिखाई देती है। कौन कौन सी जो मैं बताऊंगा आपको, वो कौन सी निम्न पंक्तियां हैं जो मैं इस बोर्ड पर दिखाऊंगा, निम्न पंक्तियों को, वो पंक्तियां हैं, उन पंक्तियों को मैं बताऊंगा कौन सी हैं। कि अति खीन मृणाल के तारों ते ते ऊपर पाम दे आपन ओ, अति खीन मृणाल के तारों ते ते ऊपर पाम दे आवनो है, सोई बेह के द्वार सके न तहां पर तीत को टाणो लगा लबावनो है तदावनो है। कवि बोधा अनि धर्म ने जऊते चढ़ी तापे न चित्त डरावनो है, ये प्रेम को पंत कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। तो देखो ये प्रेम का जो पंथ है ये तो बहुत ही कठिन है, ये तलवार की धार पे चलने के समान है। ये प्रेम को पंथ कराल महा तलवार की धार पे धावनो है। कवि का कवि स्पष्ट रूप में कह सकते हैं कि रीति कवियों के काव्य में उपलब्ध ब्रह वेदना कल्पना की उड़ान ना होकर के निश्चल एवं भावुक हृदय की कहानी मात्र है। कल्पना की उड़ान नहीं होती है ब्रह वेदना, ये निश्चल है भावुक हृदय की कहानी है हमारे की, हृदय से उपजी हुई कहानी है ये। ये कल्पनाओं में प्रेम नहीं होता है। प्रेम कहाँ होता है? हृदय में प्रेम होता है। तो देखो बच्चों, ये मैंने अभी तीन प्रवृत्तियों के विषय में बताया है, तो अभी और आगे बताएंगे अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं ऐसा नहीं कर रहा। तो देखो अब हम अगली वीडियो में अगली विशेषताओं को बताएंगे। धन्यवाद।